क्या किया बांग्लादेश, ये तुमने क्या किया यार। मतलब मैं बहुत अच्छी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी बहुत ही डिसेंट बैटिंग, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब वो टॉस हारे और बैटिंग पहले करने को मिली तो मुझे लगा क्या भाई यार गई लुटिया दोबारा डूबने। लेकिन बहुत बेहतरीन स्कोर, आखिर वही मेरा भाई सत्तक हुसैन, उसने जो है दोबारा से आके स्कोर बनाया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी 9 बॉलों पे 24 रन बनाए आखिर में, 183 रन। यार मतलब 2020 में बहुत अच्छा स्कोर होता है, बहुत बेहतरीन स्कोर होता है, इसमें कोई वो नहीं है। कुछ प्लेयर्स आगे पीछे आउट हो गए थे, लेकिन ये कि फिर भी संभाल लिया आखिर में बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग की, मुझे बहुत उम्मीद थी कि चलो यार कुछ उम्मीद है बांग्लादेश से कि कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन वही गलती जो हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स करते आ रहे हैं, वही प्रॉब्लम जो है तनिक समझ में नहीं आ रहा कि दूसरी टीमें कैसे उसको मैनेज कर रही है और हम नहीं मैनेज कर पा रहे। श्रीलंका ने मतलब एक्स्ट्रा तो दी है, लेकिन वो लेग बाय बाय के जो एक्स्ट्रा होते हैं वो तो बॉल काउंट हो जाती है ना, वो तो एक्स्ट्रा उस तरह के, लेकिन एक वाइट नहीं, एक नो बॉल नहीं, मतलब जीरो जीरो एक्स्ट्रा बॉल। तो और इसके मुकाबले में अगर आप देखो बांग्लादेश का, तो वही पाकिस्तान वाली गलती, नो बॉल पे नो बॉल, वाइट पे वाइट, पूरे 2 ओवर, ऑलमोस्ट 2 ओवर, यानी तो 1 ओवर 5 बॉल तो एक्स्ट्रा। मतलब अब इसका क्या हल है यार, उनका विनिंग रन नो बॉल दी हद होती है कोई चीज की यार। मतलब तो ये चीज जो है ना, ये हमारे जो मतलब वहां पे जो बॉलर बैठे हुए हैं, जो हमारे जो एक्स बॉलर बैठे हुए हैं या कोचेज हैं हमारे, तो क्यों नहीं कर रहे भाई इसका, इसका हल क्यों नहीं निकाल रहे नो बॉल्स का। सेम गलती पाकिस्तान कर रहा है, सेम गलती बांग्लादेश ने भी की। मुझे काफ़ी उम्मीद थी बांग्लादेश से कि था कि नहीं यार इनके पास ज़्यादा अच्छे सीजन प्लेयर है तो ये जीत जाएंगे श्रीलंका से, ऐसा मसला नहीं होना चाहिए इनको, मेरी उम्मीद ये थी मुझे। लेकिन श्रीलंका ने जो किया वो हम सबको पता है क्या किया। लेकिन वही बात है कि यार मतलब शायद बांग्लादेश का दिन नहीं था या क्या कहूँ मैं इसको, क्योंकि अब जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर रहा उनकी इनिंग के अंदर 60 रन जो मेंडिस ने किए, वो शायद 3 या 4 रन पे जब था, जब उसका कैच छूट गया, फिर वो नो बॉल पे आउट हो गया, फिर उसके बाद उसके रन आउट चांसेस बचे उसके, मतलब उसको 4 या 5 तो उसको लाइफ मिली है उसको, और उससे 60 बना दी जाए क्या। अब इमेजिन करो अगर 4 पे आउट होता कहाँ 60, तो बहुत डिफरेंट होता है ना। दो ही लोगों ने खेल के दिया उनके पास, एक थे उनके मेंडिस ने और एक और उनका प्लेयर था, उनका जो कैप्टन था दसुन जो था, क्या नाम, दसुन क्या नाम उसका, उसने 45 बनाए थे। तो इन दोनों ने खेल के दिया कि फिर भी टुक 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 टुक, टुक लगे रहे थे कि चला रहे थे कि आखिरी आखिरी गेम आखिरी बॉल तक ले जाए। इन्होंने ये अच्छा बस ये किया श्रीलंका ने कि किसी वक्त भी ऐसा नहीं हुआ कि उनका जो रन रेट था वो जो है नीचे आया हो, वो पूरे वक्त उसको देख के चल रहे थे कि यार 10 के 10 तक का रहेगा तो हम जो है ना कवर कर लेंगे आखिर में, तो वो लेके चल रहे थे। और मैं इसमें मेंडिस की जितनी तारीफ करूंगा मैं, उसने बहुत अच्छा खेला भाई, मतलब उसको चांसेस मिले ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अवेल किया उस चीज़ को, ये नहीं कि अगली बॉल पर निकल लिए, तो अच्छा खेला उन्होंने। लेकिन बांग्लादेश ने जो गलतियाँ की ना, कि मतलब यार पाकिस्तान वाले मैच में भी यही बात बोल रहा था मैं कि 8 वाइट और 4 नो बॉल, कैसे जीतोगे यार अगर 20 ओवर के गेम के अंदर आप दूसरी टीम को 22 ओवर दे रहे हो खेलने के लिए, मतलब कैसे जीतोगे आप कैसे। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है बांग्लादेश को और पाकिस्तान को भी, क्योंकि बाकी टीमें जो हैं, इंडिया देख लो, अफगानिस्तान देख लो आप, इवन श्रीलंका देख लो आप, मतलब ये लोग एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा रन मतलब आगे एक्स्ट्रा जो है मिले दूसरी टीम को, एक्स्ट्रा बॉल्स मिले या मतलब फ्री हिट मिले, तो वो चीज़ें नहीं मिल रही। और हम लोग जैसे बांट रहे हैं फ्री में, नहीं चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन जो जिसको हम गालियां दे रहे थे श्रीलंका में, गालियां दे रहे होंगे लोग जिसको, फर्नैंडो को जिसने आखिर के ओवर 17 रन दिए थे, कि मरवा दिया गेम इसने, इसने गेम मरवा दिया आखिरी ओवर में 17 रन दे दिए थे उसने। लेकिन भाईजान उसने आगे गेम जिता दिया आपको, 3 बॉलों में 10 रन, किसी को कोई, इसका हाईएस्ट स्कोर 9 रन था यार इसका, उसका एवरेज 4 का
कैसे कैसे हो सकता है ये? तो उस बंदे ने गेम जिता दिया। अब थोड़ी सी हेल्प बांग्लादेशी ने खुद भी की नोबल मार के, लेकिन ये था कि उसने मैच जिता दिया। लेकिन गलतियां जो है बांग्लादेश ने दोबारा से वही रिपीट की बॉलिंग के टाइम पे। साकिब ने वही गलतियां दोबारा रिपीट की जो पहले उसने अफगानिस्तान वाले मैच में की थी, कि अपने प्रीमियम बॉलर्स को आखिर में बचा के रखता ही नहीं है। पता नहीं क्या, खुद भी पहले से बॉल आउट हो गए, सारे प्रीमियम बॉलर सारे बॉल आउट हो गए। आखिर के 3 ओवर जो लास्ट 3 ओवर उनके वो बॉलर करा रहे थे, जैसे स्पिनर्स हो गया। स्पिनर कौन कराता है यार, मतलब मुझे बताओ 20वां ओवर स्पिनर कौन कराता है? तो कुछ सोचे समझे, कोई कैलकुलेशन गलत हुई या क्या हुई, तो वो समझ से मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा ऐसा क्या की क्या की क्यों किया उसने ना साकिब ने, कि मतलब आखिर में उसके पास सिर्फ इसके बाद आखिरी बस यही बचा था जो अपना उसका स्पिनर। और उसने उसके पास भी पूरा ऑप्शन नहीं था, मेहदी नाम है उसका भी, तो उसका भी पूरा मतलब कोटा वो भी पूरा नहीं कर रहा था अपना, 30 ओवर करने जा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं था इस बॉलर के ऊपर, जब भी इसको आपने पूरा कोटा भी नहीं दिया है और फिर उससे आप लास्ट ओवर करवा रहे हो। उससे पहले आपने जो ओवर करवाए वो जो उनका अब्दुल हुसैन जो है उससे ओवर करवाए, उसने भी यार मतलब इतना अच्छा, शुरू के 2 ओवर 3 विकेटे नहीं 2 विकेटे ऐसे कुछ था, 2-3 विकेटे थी उसकी और 5-6 रन थे उसके। 3rd ओवर लेके आए उसको, 5 ओवर के बाद लेके आए, बिल्कुल ही 13 13वें नंबर, जब बिल्कुल ऐसा था कि उनको मारना था उस पर उनको लेके आए, तो उन्होंने 22 रन बना दिया उसके ओवर में। फिर नहीं कराने दी बॉल उसको, फिर ले आया आपको 17 18वें ओवर में लेके आया उसको, आप 17 ओवर पड़ गया उसको। तो ये कहीं ना कहीं प्लेयर मैनेजमेंट जो है ना साकिब से गलती होगी कैप्टनसी में, लेकिन कोई नहीं, वर्ल्ड कप की तैयारी है ये तो बेसिकली, तो छोटा सा टोटल छोटा सा एक वो है एशिया कप मान लो कि एक वार्म अप है। तो होपफुली बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म करेगा, और अब तो उनका यहाँ जर्नी ख़त्म हो गया। श्रीलंका इंडिया और अफगानिस्तान जा चुके हैं टॉप 4 में, और देखते हैं आज के मैच में क्या होता है पाकिस्तान और हांगकांग के। उम्मीद तो है कि पाकिस्तान चला जाएगा इजीली, कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस चीज़ का है कि इंडिया वाले मैच में हांगकांग की सिर्फ 5 विकेटें गिरी थी और इंडिया ने पाकिस्तान की 10 की 10 विकेटें ली थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनके अंदर है हांगकांग वाली टीम में जिनमें अपसेट कर सकते हैं वो। लेकिन यह कि बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इंडिया के मुकाबले में थोड़ा बेहतर है और स्ट्रांग भी है, तो मतलब एक 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 बस एक एक वो है कि हो सकता है नहीं हो, लेकिन देखते हैं कैसा रहता है आज का मैच। लेकिन ये आज के ये कल वाले मैच का रिव्यू था, और अगर आपको कुछ सवाल जवाब है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अगर आपको भी इन कंटेंट अच्छा लगता है तो। और फिर बात करेंगे हम कल, क्योंकि मैं सेम डे नहीं बनाता यार वीडियो मैच की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर होता हूँ मैं उस वक्त, तो मैं नेक्स्ट डे बनाता हूँ। तो होपफुली मैं कल बनाऊँगा फिर वीडियो पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग के बारे में, और जो भी होगा रिजल्ट। फिर मिलते हैं आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया।